छतरपुर अवैध हथियार बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह एवं फैक्ट्री पर कार्यवाही एसपी श्री शर्मा ने किया खुलासा। छतरपुर पुलिस कप्तान सचिन शर्मा इन दिनों अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों सहित एसडीओपी के मार्गदर्शन में सतत कार्यवाही की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज महाराजपुर थाना प्रभारी को अवैध कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री एवं अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी जेड वाई खान एवं पुलिस टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय समीर सौरभ के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल खजुराहो के नेतृत्व में महाराजपुर थाना प्रभारी जेड बाई खान की टीम के द्वारा बुधवार 2 सितंबर को बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह एवं अवैध कट्टा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई। उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत कौशिक, सहायक उप निरीक्षक बबलू सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक 516 बिंदा प्रसाद, आरक्षक 795 सुनील अर्जरिया, आरक्षक 792 भरत त्रिपाठी, आरक्षक 452 आरक्षक दीपक, आरक्षक अनीश, आरक्षक 193 बाबू राम, आरक्षक 974 जगभान, आरक्षक 239 राघवेंद्र, आरक्षक चालक अभिषेक की आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। मुखबिर की सूचना पर आज 5 सितंबर 2020 गड़ी मलहरा के गोरारी हार वाले कुआं पर बनी टपरिया में अवैध कट्टा कारतूस बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिस पर महाराजपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सूचना की तस्दीक कर सूचना सही पाए जाने पर आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गणों के नाम मनोज दलाल, पिता मोहनलाल चौरसिया उम्र 50 साल निवासी बड़ा मलहरा एवं नंदराम उर्फ मामू विश्वकर्मा, पिता राजाराम विश्वकर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी दिसापुर थाना महोबा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गणों के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा, 12 बोर का एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा, 12 बोर का एवं कट्टा बनाने के औजार, पंखा, ग्लाइडर मशीन, आरी, कटर, पेचकस, क्लास हथौड़ा, नहाई, सनसी, बर्मा, छेनी, फायर पिन की रॉड, ट्रिगर, अवैध कट्टा बनाने के लाख बाक मशीन आदि सामान जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार उक्त अवैध कट्टा कारतूस और अन्य हथियार बनाने की फैक्ट्री विगत कई वर्षों से महाराजपुर थाना क्षेत्र में संचालित की जा रही थी। कुल मिलाकर पुलिस कप्तान सचिन शर्मा के निर्देशन में इन दिनों अपराध और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उसी के परिपेक्ष में महाराजपुर थाना प्रभारी जेड वाई खान और उनकी टीम ने आज अवैध हथियार कट्टा कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री एवं अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जिले में बढ़ते अपराध और अपराधियों में अंकुश लगाने के लिए छतरपुर पुलिस सदैव जनता के साथ है। छतरपुर जिले में थाना महाराजपुर अंतर्गत दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह था और लगातार अवैध कट्टा बनाने की फैक्ट्री संचालित करता था और पूरे जिले में वहाँ से सप्लाई करता था। इनके नाम मनोज दलाल और नंदराम विश्वकर्मा है। मनोज दलाल महोबा का रहने वाला है, इसके पूर्व के 6 अपराध आर्म्स एक्ट रिलेटेड है। इसी तरह नंदराम विश्वकर्मा गड़ी मलेरा का रहने वाला है, इस पर भी एक आर्म्स एक्ट का केस पहले से दर्ज है। कब से सर ये फैक्ट्री चल रही थी, संचाल कितने लोगों का कट्टा भी चल रही थी? ये सूचनाएँ खासकर पिछले कुछ समय से आ रही थी और इसी के तहत एक दबिश देखी जो कि सक्सेसफुल रही और जितना भी सामान खासकर अवैध कट्टा फैक्ट्री संचालित होने में होता है वो सभी को जब्त किया गया है और आने वाले समय में जो भी लोग इनसे संपर्क में थे, इनसे माल दिया करते थे, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। अभी इनके कुछ साथी फरार भी है क्या सर? अभी सब विवेचनाधीन है, जो आरोपी फरार हैं उनको भी राउंड अप करके आगे ही कार्रवाई की जाएगी।